हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास टेंथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेन कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्शंस के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट की आवश्यकता होती है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट के लिए ये चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों में है। हिंदी मीडियम वाले के लिए 3 होगा और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए 4 होगा। क्लास टेंथ का टॉपिक ये। तो सबसे पहले नंबर मैं आपको बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फॉलोइंग आर द मेन आइटम्स दैट आर एसेंशियल इज एन इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि ये निम्न प्रकार की क्या होती हैं, डिवाइसेस होती हैं जिनके द्वारा हम इंटरनेट चला सकते हैं। अगर ये डिवाइसेस नहीं है तो इनके द्वारा हम इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं एक एक करके और उसको मैं डिस्क्राइब भी करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। हम बात करते हैं पहले कंप्यूटर सिस्टम। यदि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है तो आप इंटरनेट किस पे चलाओगे? आप मोबाइल पे चला सकते हो, लेकिन क्या हो, उसमें सिम इंसर्ट होनी चाहिए। सिम नहीं होगी तो आप कैसे करोगे? आप यूज़ कर पाओगे इंटरनेट का? नहीं कर पाएंगे। आप हॉटस्पॉट और मोबाइल हॉटस्पॉट के द्वारा भी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो एक अलग टेक्निक होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर चलाना है तो उसके लिए आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं उसका मॉडेम। मोडेम क्या करता है? सैटेलाइट से सिग्नल कैच करता है और उसे आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में ट्रांसफ़र करता है। मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। एम ओ मतलब होता है मॉड्यूलेशन, इसका मतलब एम ओ, और डी ई एम का मतलब होता है डी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, यानी डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेलीफोन लाइंस, यानी कि आपके पास कौन सी कंपनी का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, यानी आपको किसने किसी कंपनी से टाई अप होना पड़ेगा। एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, जो भी कंपनी आपके यहाँ चलती है शहर में, उस कंपनी का आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, जिसकी स्पीड अच्छी हो उसी कंपनी का आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर, यानी इंटरनेट चलाने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर भी होने चाहिए कंप्यूटर में। जैसे कि सॉफ्टवेयर चलाने के लिए गूगल क्रोम होता है, ये आपके वेब ब्राउजर्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, वेब ब्राउजर्स क्या कहलाते हैं? वेब ब्राउजर्स ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो इंटरनेट चलाने के लिए सहायक होते हैं। जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, फायरबॉक्स हो गया, तो ये सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। यदि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ISP क्या होता है? ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि क्या करता है? इट ऑफर्स पब्लिक एक्सेस टू इंटरनेट, यानी कि ये पब्लिक को इंटरनेट एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है ISP। इसका नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करता है, ठीक है, ISP। तो ये 5 कंपोनेंट होते हैं जिनके द्वारा आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, क्लास टेंथ के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। ओके, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और मैं आपको ये जानकारी और देना चाहता हूँ, जितने भी सारे मैं वीडियो बना रहा हूँ उन सभी वीडियो को मैं अपने चैनल्स पे अपलोड भी कर देता हूँ, तो आप हमारे चैनल्स पे आकर भी इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल्स पे आके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल्स का नाम है टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस बाय राहुल गुप्ता सर। आप हमारे चैनल पे आइए और बहुत सारे वीडियो हैं, आप उन्हें देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।